आप सब मुझे लगता है आप सभी बढ़िया होंगे, आप सभी का बढ़िया होना हमारी वीडियोस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस आज हम फिर से एक वर्कआउट रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि एक चेस्ट बेस्ड वर्कआउट है। तो हाउ टू रीशेप योर चेस्ट, मतलब कैसे आप एक अच्छी चेस्ट ले सकते हो। जैसे मैंने गाइनो के बाद अपनी पूरी फ्लैट चेस्ट को एक अच्छी शेप दी और अभी भी शेप देने में लगा हुआ हूँ। तो मैं कौन सा वर्कआउट रूटीन फॉलो करता हूँ, मैं क्या क्या पैरामीटर्स को फॉलो करता हूँ, वो सब इस वर्कआउट में आपको दिखाऊंगा। तो आप भी फॉलो कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो बी फिट विद प्राण चलता। चलो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। कितनी एक्सरसाइजेस करेंगे, क्या क्या करेंगे, सब कुछ इन द मिडल बताऊँगा आपको। अभी वार्म अप सेट्स लगाने हैं एंड देन वर्कआउट चालू करना है। तो चलो लेट्स गो द वर्कआउट। सो गाइस ये हमारे वार्म अप सेट्स चालू हो रहे हैं। अब इस मशीन पे थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, थोड़ा सा शोल्डर खुल जाता है और अच्छे से वार्म अप भी हो जाता है। लाइट वेट के साथ एक दो वार्म अप सेट्स ले लेना चाहिए और सर्दियों में तो खास कर ले लेना चाहिए। पूरा शोल्डर को खोल लो यार, क्योंकि इंजरी आप झेल नहीं सकते, इंजरी का रिस्क लेना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सो गाइस ये हमारी जो एक्सरसाइज है, दिस इज दी फ्लैट प्रेस, इसे चेस्ट प्रेस भी कह सकते हो, फ्लैट प्रेस भी कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो। मैं इसे फ्लैट बेंच प्रेस के बदले रिप्लेस करता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि ज़्यादा ये कॉन्सनट्रेट होके आती है हमारी चेस्ट पे। तो अब चेस्ट की मेन पार्ट क्या है कि आपको ना क्या करना है कि पूरा स्क्वीज देना है, स्क्वीज देना ज़रूरी है और स्ट्रेच देना ज़रूरी है, तभी चेस्ट की मसल अच्छे से एक्टिव होती है और एक्टिवेट करनी होती है, पुश करना होता है। जब तक आप पुश नहीं करोगे और ढंग से चेस्ट पे ले, शोल्डर पे नहीं आना चाहिए आपके, चेस्ट पे ही आना चाहिए वो पार्ट। तो चेस्ट पे पुश करना सीखो। अब मैं स्टार्टिंग मेरी हैवी वेट से होती है हमेशा और लाइट वेट पे लेके जाता हूँ मैं। आना भाई पुश करवाना, उठवा दो इसे बस ताकि सेट्स में एनर्जी ना जाए। 3 2 1 बस छोड़ दो। नाइस। सेकंड सेट भी मैं हैवी लूंगा, सेट्स हैवी लेता हूँ बट जान देनी पूरी ज़रूरी है, पूरी तरीके से जान दो, पूरी तरीके से जान लगाओ। हाँ ना भाई, 3 2 1 बस छोड़ दो। फट गई। सो गाइस ये फोर्थ सेट है, छोड़ दो ये फोर्थ सेट है और हाई रेप रेंज वाला सेट है। इसमें हम रेप्स भी निकालेंगे और इसमें हम स्क्वीज भी करेंगे, स्ट्रेच भी करेंगे और अपना 100% भी देंगे, क्योंकि हाई रेप रेंज भी ज़रूरी है। 15 तो ज़रूरी है मेरे लिए, 15 हाई रेप रेंज होती है, 15 से 17 के बीच में, क्योंकि कटिंग वैसे ही चल रही है। ठीक है ना, फुल स्ट्रेच स्क्वीज। Oh.
दसवें फट गए। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल प्रेस। इंक्लाइन डंबल प्रेस इज दी नेक्स्ट एक्सरसाइज, हैवी से स्टार्ट करेंगे और हैवी पे ही रहेंगे, लो पे जाएंगे ही नहीं। भाई मेरी जिम में, भाई मेरी जिम में मैक्स डंबल यही है, इससे ऊपर कोई डंबल नहीं है, तो इसी को मारेंगे। ओ अब इसके तुरंत बाद, इसके तुरंत बाद मुझे उठाना है एक लाइट डंबल जो मैंने उठाया 17 का, और इससे करूँगा पूरा स्क्वीज। Fuck bhai. So guys, second set again 40 का डंबल। रीजन भी अच्छा, अपर चेस्ट को ढंग से मारने का रीजन क्या है कि अगर आपको अपनी चेस्ट रीशेप करनी है ना कभी भी, तो अपर चेस्ट आपकी हमेशा डोमिनेंट होनी चाहिए। अगर आपकी अपर चेस्ट डोमिनेंट है ना, तो भी वो टी शर्ट में, शर्ट में या कहीं पर भी बेटर दिखेगी। तो हमेशा ट्राई करो कि अपनी अपर चेस्ट पे अच्छे से काम करो और अपर चेस्ट को अच्छे से ग्रो करो। अगर आपकी अपर चेस्ट वैसे ही अच्छी होगी तो आपकी चेस्ट ऑलरेडी डोमिनेंट है, ठीक है। तो अपर चेस्ट को अच्छे से हिट किया करो, 2-3 एक्सरसाइज अच्छे से लगाया करो। 3-2-1 10. ये आगे हम गाइज, अब ये थर्ड एक्सरसाइज है, ये वन ऑफ द मोस्ट मेन एक्सरसाइज में से आती है जिन लोगों को डिक्लाइन चेस्ट के इश्यूज रहते हैं। तो इसमें मैं एक सुपर सेट लेता हूँ, मुझे डिक्लाइन चेस्ट प्रेस से ज़्यादा बेटर लगते हैं ये डिप, जो कि प्रॉपरली आपकी लोअर चेस्ट पे आते हैं। और डिप्स लगाओ, साथ में एक फ्लाई लगाओ, मतलब एक बटरफ्लाई जो आपकी पैकडेक फ्लाई है उससे एक फॉर्म है जिसमें आप थोड़ी से लीन होके बैठोगे तो आपकी लोअर चेस्ट पे आती है वो, मेरे तो आती है। आप लोगों को भी थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये कॉम्बिनेशन मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके डिक्लाइन चेस्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। अब इसमें क्या करना है कि इसमें अपनी बॉडी को नहीं झुलाना है, अगर बॉडी को झुलाओगे तो नहीं आएगी। आपको अपनी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, ये कहे आप ऊपर, बॉडी स्ट्रेट, नीचे स्क्वीज,
स्क्वीज 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 जल्दी जल्दी नहीं लगाना, धीरे धीरे लगाना, धीरे 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 करके लगाओ। तो सुपर की है दूसरी एक्सरसाइज है जो कि जिसको मैं नॉर्मल प्रैक्टिस में हम ऐसे लेते हैं, नॉर्मल की तरह नहीं लेना है, थोड़ा साइज से बिल्कुल डाउन कर लो और अपनी चेस्ट को ना ये अपनी बैक को यहाँ पीछे लगा दो ऐसे करके और हिप को ले जाओ आगे, तो आपकी बॉडी एक ऐसे मोशन में होगी, ऐसे वाले स्लैंटेड मोशन में होगी। और फिर इसे बिल्कुल ऊपर जहाँ पे आपको पॉइंट है वहाँ ऊपर से पकड़ो और पैर कर दो आगे और फिर ये ऐसे लेके आओ और यहाँ लगाओ। कोई दिख रहा है कहाँ हो रहा है और कौन सी चेस्ट पीछे जा रही है, ये देखो आप। कम रेप्स आएंगे बट फुल स्क्वीज के साथ आएंगे। फक भाई, अब इसमें क्या करना है कि आपने अपनी हिप जो है वो सबसे आगे रख दो और इसको लीन कर लो, ये ठीक है। अब ये लीन हो गया, अब इसे सबसे ऊपर वाले पार्ट से पकड़ो और लेके आओ आगे की तरफ। अब इसे पीछे लेके जाओ, लेके जाओ पीछे, पूरा पीछे लेके जाओ। ये लोअर चेस्ट स्क्वीज हो रही है, निकल रही है, अब इसे आगे स्क्वीज करो, पीछे लेके जाओ, पीछे लेके जाओ जितना लेके जा सकते हो, यही हमें लेके जाना है पीछे। आ रहा है लोअर पे, आ रहा है। लाइट वेट भी देख रहे हो कितना हेवी लग रहा है इस पे, बहुत बढ़िया। So guys, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक वो डिक्लाइन के सुपर सेट के बाद, यानी कि चौथी एक्सरसाइज है मेरी इंक्लाइन की फ्लाई। अब कल जो क्या लेता हूँ कि इंक्लाइन डम्बल फ्लाई भी ले लेता हूँ और केबल फ्लाई भी ले लेता हूँ। केबल फ्लाई खड़े होकर भी ले सकते हो आप इंक्लाइन में, और ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ऐसे लेट के भी ले सकते हो। ये आपकी जो आप डम्बल फ्लाई लेते हो और जो आप स्टैंडिंग वाली केबल फ्लाई लेते हो, उन दोनों का एक मिक्सचर बना के एक एक्सरसाइज बनी हुई है जो कि काफ़ी प्रो लेवल के एथलीट्स करते हैं या फिर जो कॉन्ट्रैक्शन फील करना चाहते हैं और रेजिस्टेंस भी फील करना चाहते हैं। मतलब कि डंबल में क्या होता है कि आपके पास रेजिस्टेंस नहीं होता है, केबल की एक्सरसाइज में क्या होता है कि आपके पास रेजिस्टेंस होता है बट सपोर्ट नहीं होता है बैक का, तब आपकी चेस्ट हिलती है, कमर हिलती है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन चला जाता है। तो ये एक एक्सरसाइज है जिसमें आपके पास बैक सपोर्ट भी है जिससे आपकी चेस्ट नहीं हिलेगी और आपके पास रेजिस्टेंस भी है जो आपको और अच्छा कॉन्ट्रैक्शन और अच्छी पुश दे सकता है। तो आ जाओ देखते हैं क्या है ये एक्सरसाइज। तो ऐसे मैंने अपनी केबल्स को बिल्कुल नीचे सेट कर लिया है, ये बिल्कुल नीचे सेट है, ये बिल्कुल नीचे सेट है, और मैंने उठा ली केबल को, ये मैंने केबल उठा ली और ये ऊपर ले आया फ्लाई की तरह, डंबल फ्लाई की तरह। अब इसे रेजिस्टेंस के साथ नीचे जाने दो और ऊपर आके स्क्वीज 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 स्क्वीज। ओह भाई, मतलब इतनी परफेक्टली आपकी चेस्ट पे हिट होती है, ये इतनी परफेक्टली चेस्ट पे हिट होती है कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा परफेक्टली चेस्ट पे हिट होती है, मज़ा आ जाएगा आपको करके। So guys, this is the last exercise, again a fly exercise, but एक सुपर सेट है और ये सुपर सेट भाई इतना तगड़ा सुपर सेट है, मतलब फट जाएगी अगर आपने ढंग से इसे कर लिया तो।
रेप काउंटिंग नहीं है, मतलब कर लो मान लो 15 रेप तो मारो ही मारो ऐसे वाले रेप काउंटिंग, और वेट भी अच्छा लगाओ, यानी कि खुद दूसरा वेट लगा रहे हो, ठीक ठीक वेट लगाओ ताकि अच्छे से कर पाओ। अब इसमें मैं बताता हूँ करना क्या है। पहले आप आगे आए, आपने अपनी बैक में एक आर्क बना के अपर हेड के लिए यानी कि अपर चेस्ट के लिए फ्लाइज मारनी शुरू करी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब आपने पूरा बैक स्टेप आए, पूरा रोप के नीचे आए और आपने अपने डिक्लाइन के लिए फ्लाई मारने शुरू करी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 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
सो गाइस, आपने ये वीडियो पूरी देखी, आई होप सबको पसंद आई हो। इसमें मैंने 5 से 6 एक्सरसाइजेस बताई हैं, जो कि कुछ सुपरसेट्स में बताई हैं, कुछ नॉर्मली बताई हैं, बट हर एक्सरसाइज का मोटिव ये है कि आप उसको 100% हिट करो। अगर आप किसी भी एक्सरसाइज, चाहे कितनी से बढ़िया एक्सरसाइज हो, बट उसे आप 100% पोटेंशियल के साथ हिट नहीं करोगे तो वो चीज़ नहीं होगी जो आप चाह रहे हो। और ऊपर से सिर्फ चेस्ट की एक्सरसाइज करना ही एक पॉइंट नहीं है। अगर आप शेप देना चाहते हो, आप कुछ भी देना चाहते हो, एक मसल डेवलपमेंट चाहते हो, तो आपकी डाइट प्लेज अ की रोल, एक की रोल प्ले करती है आपकी डाइट। हाई प्रोटीन डाइट और गेनिंग कर रहे हो तो हाई कार्ब्स डाइट, जिसमें कि अच्छा लेवल का प्रोटीन, अच्छे लेवल का कार्ब्स, फैट्स, इवन तक कि छोटे छोटे मिनरल्स भी, हर एक चीज़ फुलफिल्ड होनी चाहिए, तो ही आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान दो। डाइट से रिलेटेड भी वीडियोज़ में बनाते रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे हर रोज़ अपडेट्स आती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की भी आती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे मिलती हैं आपको। एक चीज़ और, मैं गाइनो से रिलेटेड एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा दोबारा से, जिसमें कि आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे। तो इस वीडियो के अंदर आप कमेंट करो जो अभी आपके डाउट्स हैं गाइनो से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर। मतलब मैं 2 हफ्ते बाद, इस वीडियो के रिलीज़ होने के 2 हफ्ते के बाद गाइनो पे एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप कमेंट्स करो। मैं 2 हफ्ते तक जितने भी कमेंट्स होंगे उन सबको पिक करूंगा और इस पे वीडियो बनाऊंगा। तो आप कमेंट्स करो गाइनो, जो भी आपके डाउट्स हैं गाइनो से रिलेटेड, चेस्ट पैड से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड, उस पे ये वीडियो का टॉपिक होगा। तो आप होप सो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बी फिट विद प्रांजल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।